जय श्री राम दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल दामोदर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे हम अपने होम स्मार्टफोन को रिबूट कर सकते हैं। और दोस्तों रिबूट करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, और दोस्तों क्यों रिबूट हमें करना चाहिए, वो सभी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। अब दोस्तों बिना देरी के चलते हैं आज के हमारे धमाकेदार टेक्निकल वीडियो की तरफ। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट कर रहे हैं आज के हमारे धमाकेदार टेक्निकल वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिबूट कैसे किया जाता है, साथ ही साथ रिबूट करने के क्या फायदे होने वाले, क्या नुकसान होने वाले, साथ ही दोस्तों हमें रिबूट क्यों करना पड़ता है अपने फोन को, चाहे वो 4GB का रैम हो या फिर 6GB का रैम हो या फिर 8GB का भी रैम क्यों ना हो उस स्मार्टफोन में। तो दोस्तों हमें क्यों करनी पड़ती है रिबूट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि रिबूट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों रिबूट करने के लिए यदि आपका फोन, तो दोस्तों रिबूट कैसे किया जाता है वो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिबूट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों फिर बात करेंगे इसके फायदे और नुकसान के बारे में, फिर दोस्तों बात कर लेंगे एंडिंग में कि रिबूट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिबूट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों मान लो कि आपके फोन में फुल स्टोरेज है, चाहे वो 2GB हो या फिर 3GB का स्मार्टफोन क्यों ना हो, तो दोस्तों इसमें आपको 2 से 3GB स्पेस आपके फोन में, तब भी दोस्तों आपको फोन हैंग कर रहा है या फिर ज्यादा हीट कर रहा है, तो दोस्तों उस समय आपको रिबूट करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि दोस्तों रिबूट करने से हमारे फोन की एक बार छोटी सी सर्विस हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा फोन ठीक ठाक तरीके से काम करने लग जाता है। साथ में दोस्तों इतने हमारे फोन को रिबूट करने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। मान लो कि आप कहीं ऐसी जगह गए हो जहां पर दोस्तों आपका नेटवर्क कम आता है, यानी कि दोस्तों कम आता है, एक बार नेटवर्क फुल आ जाता है, कभी कम आ जाता है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में भी आप अपने फोन को एक बार रिबूट करके भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फायदे के बारे में। तो दोस्तों इसके फायदे ही इसकी विशेषता होने वाले, जो मैंने आपको वीडियो में बताया वो आपको फायदे होने वाले हैं कि दोस्तों जैसे कि आपके नेटवर्क थोड़ा कम चल रहा है तो आपका ठीक ठाक नेटवर्क चलने लग जाएगा। साथ ही दोस्तों आपका फोन थोड़ा हीट हो रहा है या फिर हैंग हो रहा है या फिर आप में आपके फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन ठीक तरीके से रन नहीं कर रहे, तो दोस्तों रिबूट करने की वजह से दोस्तों आपके स्मार्टफोन के सारे एप्लीकेशन के साथ साथ आपके स्मार्टफोन के सिस्टम की भी एक साथ सर्विस हो जाएगी, जिसकी सहायता से दोस्तों जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को ठीक तरीके से यूज कर पाएंगे। साथ ही में दोस्तों बात कर लेते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो दोस्तों इसमें नुकसान तो ज्यादा बड़ा नहीं है, पर दोस्तों छोटा मोटा नुकसान होने वाला है कि मान लो कि आपने कोई अकाउंट बनाया, साथ ही दोस्तों रिबूट करते हो, तो दोस्तों रिबूट करने में एक रिस्क ऐसा आता है कि जो हल्के फोन होता है ना, तो उनमें दोस्तों अकाउंट डिलीट होने का भी संभावना रह सकती है, यानी बार बार उनका फोन हैंग होता है और दोस्तों वो बार बार रिबूट करते हैं, तो दोस्तों उनका अकाउंट हैंग मतलब अकाउंट डिलीट होने का भी खतरा उन्हें बना रहता है। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं कि रिबूट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों यदि आपको रिबूट अपने स्मार्टफोन को रिबूट करना नहीं आता, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों रिबूट करने के लिए आप अपने जो पावर ऑन और ऑफ को बटन करते हो, बटन देखा होगा, उससे दोस्तों आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस मतलब 2 से 3 सेकंड तक आपको दबाए रखना है। जैसे आप दोस्तों दबाए रखोगे तो दोस्तों आपके सामने एक नया मेन्यू खुल के आएगा। उस मेन्यू में दोस्तों आपको रिबूट का ऑप्शन, फ्लाइट मोड का ऑप्शन और दोस्तों स्विच ऑफ का ऑप्शन और दोस्तों एक साइलेंट मोड का ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाला है। उसमें दोस्तों आप रिबूट कर सकते हो। रिबूट करने से ये फायदा होगा, स्विच ऑफ करोगे तो दोस्तों आपको फोन स्विच ऑफ करने के बाद आपको अपने आप नहीं खुलने वाला, आपको उसे वापस लॉक प्रेस करके अपने स्टोरेज या फिर डिवाइस को वापस खोल ओपन करना होगा। साथ ही दोस्तों यदि आप इसे अपने स्मार्टफोन को रिबूट करते हो, तो दोस्तों आपको मतलब बार बार उसे खोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप रिबूट होकर अपने आप स्मार्टफोन खुल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई इस रिबूट रिलेटेड छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ऐसी ही धमाकेदार टेक्निकल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे हम उस वीडियो को अपलोड करें। तो दोस्तों फिर मिलता है ऐसे धमाकेदार टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।